वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूक्लिड का डिवीजन लेमा। तो इस टॉपिक का नाम है दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं तो यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जो कि 300 BC के आसपास, मतलब इन्होंने एक लेमा दिया। इनको हम जैसे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, और इन्होंने काफ़ी हमें जो 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 एलिमेंट्स दिए वो हैं जो जो थे नंबर थ्योरी में इनका काफ़ी काफ़ी योगदान है। तो इनका काफ़ी काम जो कि है नंबर थ्योरी में भी है। बट यहाँ पे हम इनका एक डिवीजन लीमा देखते हैं। दोस्तों लीमा हम किस चीज़ को बोलते हैं? लीमा बोलते हैं हम उस चीज़ को जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी स्टेटमेंट की एक बेस स्टेटमेंट बन सकती है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक प्रूवन थॉट होता है। बट ये और स्टेटमेंट्स को और थ्योरम्स को और एनालॉजीज को प्रूव करने के काम आती है। तो लीमा इस चीज़ को बोलते हैं। तो यूक्लिड ने एक डिवीजन लीमा दिया, डिवीजन मतलब सिंपल जो हम डिवाइड करते हैं उसको लेके उन्होंने एक लीमा दिया, एक प्रूफ दिया कि हाँ ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। उससे पहले ये चीज़ लोगों को नहीं पता थी, इन्होंने इसका आविष्कार किया और मैथमेटिक्स को एक अलग डायमेंशन दी, एक अलग रूप दिया। तो इनका डिवीजन लीमा अगर हम देखें तो पहले मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ लीमा बेसिकली इनका क्या कहता है। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट से 58 को मैंने लिया, इसको मैंने डिवाइड किया दोस्तों 4 के साथ। तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स से टर्म में लिखूं तो मैं 58 को यहाँ लिखूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 58 मेरा डिविडेंड कहलाएगा, 4 मेरा डिवाइजर कहलाएगा। तो इसको मैं अगर 14 से करूंगा तो यहाँ पर 56 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो इनका जो लीमा था उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बनता है कि 58 जो है एक डिविडेंड जो है वो ब्रेक हो सकता है एक डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। दोस्तों यही था इनका लीमा कि अगर मैं डिविडेंड की बात करूं इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो दोस्तों ये था इनका लीमा कि अगर एक नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड होता है वो एक क्वेश्चन देता है और एक रिमाइंडर देता है। तो अगर मैं जो मेरा डिविडेंड है अगर मैं उसको ब्रेक करने लगूं तो वो ब्रेक करके मुझे एक डिवाइजर प्लस डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर फॉर्म में मेरे को मिल जाएगा। ये एक बेसिक लीमा है। और इन्होंने कहा जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू आपका जो डिवाइजर है उससे कम होगी और जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अगर दोस्तों यहां पर रिमाइंडर जीरो होता तो ये डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा होता। जब ये इसको डिवाइड कर रहा होता तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर जीरो हो चुका होता। तो रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है और रिमाइंडर जीरो से लेके बी जो कि यहां पर मैंने डिवाइजर को बोला है उसके बीच में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये इनका एक बेसिक थॉट है, एक बेसिक लीमा, बेसिक थ्योरम आप इसको कह सकते हैं सिंपल शब्दों में। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके चलता हूँ। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास मतलब मैंने कुछ बच्चों को टॉफीज देनी है। लेट सपोज मेरे पास थ्री किड्स हैं और मेरे पास एट टॉफीज हैं। अब मेरे को इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं अगर इस तरह से देखूं, मैं 8 को अगर डिवाइड करूं 3 से तो ये मेरे पास आता है। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास 3 × 2 + 2 आता है, ये मेरे पास आता है दोस्तों निकल के। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर तीन बच्चों को 8 टॉफी में से डिवाइड करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इनको इक्वली डिवाइड हो, तो दोस्तों वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रही है। यहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जा रहा है। तो इसका मतलब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं तीन बच्चों को ये टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करी तो मैं सिर्फ 2 टॉफी ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा 3 बच्चों को, प्लस मेरे पास ये जो 2 टॉफीज है ये एज अ रिमाइंडर बच जाएंगी।
तो ये एक बेसिकली बेसिकली एक थॉट है, एक एक अपने आप में एक एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि मैं किस तरीके से उसको देखता हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से एक और आपको इसकी एक एनालॉजी और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ये मैं इसको एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। लेट लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, एक 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 इंटीजर है क्यू। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो इवन नंबर होता है वो 2q होता है और जो ऑड नंबर होता है वो 2q+1 होता है। मेरे को ये प्रूव करना है। तो दिस इज इवन, दिस इज ऑड एंड आई हैव टू प्रूव इट, आई हैव टू प्रूव इट। तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं डिवीजन लीमा की हेल्प लेके करूंगा। मैं अगर अपनी लीमा की बात करूं तो लीमा में जो हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया गया है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, क्वेशेंट एंड आर, आर इज अ रिमाइंडर। अब मैं इसको एक और ब्रेक करूं, अगर मैं यहां पर ले रही, लेट सपोज आई विल टेक बी इक्वल टू टू, तो ए इज इक्वल टू 2 × q+r हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, इसको मैं ए बोल देता हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे चलूं, मेरे पास एक और मेरे पास इक्वेशन थी जो कि ये थी, आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये हो सकता है, यहां पर बी की वैल्यू है 2, तो आर इज लेस देन 2 > इक्वल टू 0। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 2 है, तो आर की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि आर यहां पर 0 भी हो सकता है और आर यहां पर 1 भी हो सकता है। आर 2 नहीं हो सकता क्योंकि आर 2 से छोटा ही होगा। ये दो वैल्यू आर की आएगी। अगर मैं ये दोनों वैल्यू इक्वेशन ए में डाल दूं, इक्वेशन ए में डाल दूं, सबमिट इन इक्वेशन ए, ए में डाल दूं, तो देखिए आप क्या निकल के आता है, ए इज इक्वल टू 2q + r = 0 = 0। यहां पर 0 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2q+1, ये दोस्तों यहां पे आ जाएगा। अब ये देखिए इसको, ए इज इक्वल टू 2q और ए इज इक्वल टू 2q+1। दोस्तों इससे मैं बताना चाहता हूं कि ए की वैल्यू 2q है, ए की वैल्यू 2q+1 है। जब ए की वैल्यू 2q है तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर 0 है, तो ये एक इवन नंबर कहलाता है। और अगर मैं इस तरह से अपने सिंपल नंबर्स लिखूं, लेट से मैं अगर अपने नेचुरल नंबर लिखूं जैसे कि, तो मैं देखूंगा कि एक इवन आता है, एक ऑड आता है, एक इवन आता है, एक ऑड आता है, फिर एक इवन आता है, फिर एक ऑड आता है। और इस तरीके से मैं अगर करता जाऊं तो मैं देखूंगा अगर ये 2q है तो ये 2q+1 होगा। ठीक है, लेट से अगर ये 2q है तो ये 2q+1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर 2q है तो उसका नेक्स्ट नंबर जो कि इवन है, अगर मैं ये बोलूं कि ये 2q जो नंबर है जो कि इवन है, तो उसका नेक्स्ट नंबर 2q+1 होगा जो कि ऑड नंबर होगा। तो ये एक बेसिक हमने हमने चीज ड्राइव करी कि 2q जो है वो हमेशा इवन होता है और 2q+1 हमेशा ऑड होता है। ये मेरे को चीज मिली अगर मैं लीमा, अगर मैं यूक्लिड का डिवीजन लीमा से मैंने इक्वेशन निकाली और इसके थ्रू मैंने ये प्रूव कराया। तो ये मेरे को कुछ और इक्वेशन, जैसे मैंने बोला था लीमा है, और इक्वेशंस, और थ्योरम्स, और एनालॉजीज को प्रूव करने के काम आता है। तो ये दोस्तों बेसिक एक हुआ लीमा के बारे में कि वो हमारे किस तरह काम आता है और किस तरह उसने एक डिविडेंड को ब्रेक किया डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। थैंक यू दोस्तों।